नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व राज्यपाल अंशुमन सिंह का निधन, राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित राजनेताओं ने जताया शोक। मराठा आरक्षण मामले में हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से पूछा 50% से ज्यादा हो सकता है आरक्षण। आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी देश की महिलाओं को बधाई। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और पूर्व जस्टिस रहे अंशुमन सिंह का सोमवार तड़के 4 बजे निधन हो गया। अंशुमन सिंह का लखनऊ के PGI अस्पताल में उपचार चल रहा था। अंशुमन सिंह के निधन से राजस्थान में भी शोक की लहर छा गई। पूर्व राज्यपाल और पूर्व जस्टिस रहे अंशुमन सिंह का सोमवार तड़के 4 बजे निधन हो गया। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा सहित राजस्थान से जुड़े कई जनप्रतिनिधियों ने अंशुमन सिंह के निधन पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। जस्टिस अंशुमन सिंह ने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में 16 जनवरी 1999 को पदभार संभाला था। उच्चतम न्यायालय ने मराठा आरक्षण मामले को लेकर आज सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 15 मार्च तक टाल दी है। इसके साथ अदालत ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण देने की बात काफी समय से चल रही है। साल 2018 में राज्य सरकार ने शिक्षा नौकरी में 16% आरक्षण देने का कानून बनाया। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में इसकी सीमा को कम कर दिया था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा कि जब तक मामले की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक इस पर रोक लगाई जाएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति को सलाम किया, महिलाओं को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिलाओं को बधाई देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी देशवासियों को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे देश की महिलाएं अनेक क्षेत्रों में उपलब्धियों के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। आइए आज के दिन हम सब महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता पूर्णतया समाप्त करने का सामूहिक संकल्प लें। खबर चुरू के सरदार शहर से, जहां शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में निशुल्क मोतियाबिंद जांच और लेंस प्रत्यारोपण मेगा शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने किया। शिविर में 411 रोगियों की जांच की गई, जिसमें 125 रोगियों का ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। इनका सोमवार को जयपुर में ऑपरेशन किया जाएगा। भयंकर रूप से है और इसमें गरीब लोगों को बहुत खर्चा करना पड़ता है, बहुत लोग इससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए लॉयंस क्लब ये प्रयास कर रहा है कि आसपास के जितने भी हमारा तहसील के क्षेत्र के लोग हैं उनके इस तरह के आयोजन होते रहें बराबर और उनको फायदा मिलता रहे। ऐसा है, लॉकडाउन के बाद पहली बार यह पहला कैंप जो है वो आज है। श्रीमती त्रिवेणी देवी, वाइफ ऑफ सोनलाल जी झेड़ू, उनकी पत्नी के मतलब स्मृति में आज ये कैंप जो है वो आयोजित किया गया जा रहा है। और इस कैंप में करीबन 250 से 300 पेशेंट सम्मिलित हो रहे हैं। सिलेक्शन के बाद में कम से कम 100 से 125 पेशेंट सिलेक्शन होने के बाद में उनको सीधा जयपुर आई ये शंकरा आई हॉस्पिटल भेजा जाएगा। वहाँ ऑपरेशन के बाद जो है उनको वापस घर पर पहुँचाया जाएगा। टोटल जो खर्चा है वो झेड़ू परिवार के द्वारा किया जा रहा है। पेशेंट का एक पैसा भी नहीं लगेगा, न आने का, न जाने का, न खाने का, न पीने का। हर तरीके की सुविधाएं कैंप के द्वारा लॉयंस के हमारे सभी मेंबर इस व्यवस्था में जुड़े हुए हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा ये शिविर जो है वो सक्सेसफुली जाए। इसमें न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई बिरादरी है, पेशेंट पेशेंट है। सब लोग जो है निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि राजस्थान सरकार द्वारा जो पिछले एक साल से कैंप पर पाबंदी थी वो खुला है और हर महीने की एक निश्चित तारीख को ये लॉयंस क्लब जो है इस प्रकार के आयोजन करती रहेगी। सरदार शहर भामाशाहों की धरती है, यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं है। केवल मात्र जो है आयोजक साफ सुथरे अगर होते हैं तो इस प्रकार के आयोजन सही तरीके से संपादित होते हैं और सब लोगों को इसका
फायदा मिलता है। क्या इसी प्रकार आगे भी ये निश्चित रूप से अगला कैंप फाइनल है? अगला कैंप जो है वो फाइनल है बुधवार या रविवार, जो भी अगला कैंप भी डिसाइड है हमारा एक महीने के बाद अप्रैल की बुधवार को। हर महीने ठीक, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते? ये मोतियाबिंद की जो बीमारी है, हम लॉयंस क्लब का एक ही उद्देश्य है बिना मुफ्त में इलाज हो और वो भी इलाज सक्सेसफुल हो, ताकि लोगों का आशीर्वाद क्लब के लोगों को मिलता रहे, लोगों का सहयोग मिलता रहे और किसी प्रकार का कोई जो है खबर बयाना से, जहां उपकरण के गांव गुर्दा नदी में घरों के आम रास्ते के ऊपर से जा रही 1100 केवी लाइन की जर्जर विद्युत लाइन से ग्रामीणों ने हादसे की आशंका जताई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ग्रामीण प्रेम कुमार शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों ने कई बार बिजली विभाग को लिखित शिकायत दी, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। ग्रामीणों ने बताया इससे पहले कई बार केबल टूटने से बड़ा हादसा होने की आशंका रहती है, इससे ग्रामीण और राहगीरों में डर व्याप्त है, जिससे कई बार ग्रामीण और राहगीर बाल बाल बचे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस लाइन को बदल देना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे लोग सुरक्षित ना रह सकें। यही इनको अवगत करा रखा है, यही इनको अवगत करा रखा है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये आम रास्ता है, इस पर कभी भी ये टूट जाती है, कभी हादसा हो सकता है। कभी लिखित में दिया? बिल्कुल लिखित में दे रखा है प्रशासन को, ऑफिस में मेरी एप्लीकेशन लग रही है। मैंने यही इनको दे दिया, जय इनको दे दिया। खबर राजधानी जयपुर से, जहां डॉक्टर अंबेडकर उत्थान परिषद जयपुर के श्याम ऑडिटोरियम राज्य कृषि प्रबंधन संस्था दुर्गापुरा टोंक रोड पर नारी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश रहीं। कार्यक्रम में साहित्य, समाज सेवा, पत्रकारिता, शिक्षा, चित्रकारी, नृत्य, राजनीतिक, विधि, चिकित्सा, अभियांत्रिक, खेलकूद, बीमा और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को नारी गौरव सम्मान दिया गया। संस्था के अध्यक्ष और कार्यक्रम संयोजक सुरेंद्र जलथूरिया ने बताया कि इसमें राजस्थान भर से 100 से ज्यादा महिलाओं का सम्मान किया गया और सभी की प्रोफाइल को अंतिम रूप देकर सम्मानित किया। खबर नागौर से, जहां अंबेडकर स्मृति भवन में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जिला शाखा नागौर द्वारा नव निर्वाचित सभापति और जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह किया गया। वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान जयपुर के उपाध्यक्ष बीएल भाटी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में सभापति मीतू बोथरा सहित सभी नगर परिषद पार्षदों का अभिनंदन किया गया। वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान जयपुर के उपाध्यक्ष बीएल भाटी भी अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। नव नियुक्त पार्षद और अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष भजन सिंह ने सोसाइटी के विकास के लिए सभापति से निवेदन किया। इस पर सभापति मीतू बोथरा ने वेलफेयर सोसाइटी के विकास के लिए पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। पार्षद गोविंद कड़वा ने भी सोसाइटी को हर प्रकार की मदद करने का आश्वासन दिया और कहा कि बाबा साहेब ने हम सभी को सही रास्ते पर चलना सिखाया है। स्वागत समारोह में वेलफेयर सोसाइटी के सचिव ओपी वर्मा सहित शहर के अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।